जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? पिंकी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिंकी देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेडी के लिए हमारी टीम भी एक इनके लिए दो स्लोगन बोलेगी। आयरन लेडी के नाम से इनको बोला जाए तो कोई उसमें संदेह नहीं होगा। आयरन लेडी का जो उपाधि होता है वो इन पे 100% सूट करता है, क्योंकि एक महिला होते हुए अपने समाज को जिस तरह से आगे ले जाने की इन्होंने काम किए, और कहीं ना कहीं सरकार का जो सोच था, सरकार का जो सपना था महिलाओं को 50% आरक्षण देने का, उस सपना को इन्होंने साकार करने का काम किया है सीतापुर पंचायत में। तो सरकार को भी ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तरह तरह की योजना चलानी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार महिलाओं के लिए योजना नहीं चलाई थी तो महिला घर में दब के रह जाती थी। हमारे घर की बेटी बहन घर में ही दब के रह जाती थी, लेकिन जब से सरकार ने महिलाओं का हक देने का काम किया है तब से देखा जा रहा है कि वो चुनाव हो या कोई नौकरी का फील्ड हो या कोई खेल का मैदान हो, उस सारे जगहों पर महिला का दबदबा अब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम महिलाओं सहित हमारी टीम भी सरकार को धन्यवाद देती है इस शुभ काम के लिए। तो आयरन लेडी के साथ एक और हम नारा देते हैं, जैसे इस पंचायत की तमाम महिलाओं का कहा नाम है कि दिल से पिंकी फिर से पिंकी इस पंचायत में। क्या होगा, ये संभव होगा? एकदम संभव है। दिल से पिंकी फिर से पिंकी, बोलिए तो एक बार। दिल से पिंकी फिर से पिंकी, हर घर से हर गली से हर जगह से यही आवाज है, पिंकी देवी दिल से। यानी तमाम लोगों का कहना है कि दिल से पिंकी फिर से पिंकी, यानी 15 साल से पिंकी लोगों के दिलों में बसी हुई है, 5 साल फिर पिंकी बसेगी दिल में, और उसके बाद जो चुनाव होगा उस समय कुछ देखा जाएगा। तो और कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इन लोगों से जान लेते हैं क्या। जैसे देखिए जो यहाँ पे गर्ल है हमारे साथ मौजूद है, जैसा कि अभी बताया ना हम, सरकार जो भी योजना चला रही है अब लड़कियों के लिए उसी का देन है कि लड़की अब आगे आ रही है। देखिए जो लड़की हमारे साथ कैमरा फेस कर रही है, और कुछ दिन पहले लड़की कैमरा के स्कूल जाने का भी हक नहीं था, उनके सोच को दबा दिया जाता था घर में ही, लेकिन आज सरकार का देन है कि आज हमारे सामने एक लड़की खड़ी है जो कैमरा को फेस करते हुए अपने सोच को हमारे चैनल के माध्यम से श्वेतापुर पंचायत के हर जनता तक पहुँचाएगी। क्या नाम है आपका? हनी सिंह। क्या करती हैं आप? देखिए हम तो अभी बीटेक करते हैं, बीटेक फाइनल ईयर है हमारा, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से बीटेक करते हैं। फाइनल हो चुका है? नहीं नहीं, फाइनल ईयर है हमारा, और ये पहली बार होगा जब हम वोट देंगे हम युवा मतदाता। तो क्या आप एक यूथ हैं, तो क्या आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं? ये राजनीति में इंटरेस्ट की बात नहीं होती, जैसे मुझे पिंकी देवी नारी सशक्तिकरण का मिसाल है, वो लगातार एक महिला होते हुए जैसे इस पंचायत के लिए काम कर रही हैं, हम लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए अभी आप डूमली में, ये हमारा जो यहाँ का प्राथमिक स्कूल है, ये पहले प्राथमिक स्कूल था, अब हाई स्कूल हो गया, लड़कियों को मेहरवानी जाना पड़ता है, यहीं उन्हें शिक्षा मिल जाती है हाई स्कूल तक की, हमारे लिए सेपरेट शौचालय है स्कूल में। तो ये सारा विकास मुखिया पिंकी देवी की देन है, ये प्रेरणा है हम लोगों के लिए। हाँ, एक चीज़ है, यही बात सही है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा आइकॉन बनेगा जिसके रास्ते पर आप चलना चाहिएगा। तो क्या ये पिंकी देवी पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, भला तेरी गम से क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, सावन में रुत बदलेगी, सावन में रुत बदलेगी, राज की और लड़की।
सच में इनका पढ़ाई सार्थक है और जो भी शिक्षा इनको मिला है, जहाँ से भी शिक्षा ली है, वो शिक्षा इनका सार्थक हो चुका है। धन्य है वो माता पिता जो इनके जैसे बेटी को जन्म दिए, जो बेटी के शक्ति को पहचानते हुए और सरकार के माध्यम से अपने समाज को आगे ले जाने के लिए हमेशा ये तत्पर हैं। और इनका ये कहना है कि 15 सालों से जैसे पिंकी देवी आपको मान सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार की योजनाओं को धरातल पर ईमानदारी पूर्वक पहुंचाते आ रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है एक महिला को आगे ले जाएं और 15 साल का जो इनका कार्यकाल है उसको बढ़ावा दें और तभी और भी महिलाएं इनको देखकर इस समाज में आएगी। अगर इनको अच्छा का जो प्राइज नहीं मिलेगा, अच्छे कार्यों को आप चबासी नहीं दीजिएगा, तो कल से महिलाएं भी फिर से घर में रहना पसंद करेगी, समाज में आना पसंद नहीं करेगी। जैसा कि इनका ये भी कहना है कि जब असत्य का बढ़ावा होगा तो फिर से मैं चुनाव में आऊँ, पिंकी देवी के बाद चुनाव में आने के लिए खुद इन्होंने बोल रही है कि असत्य को नाश करने के लिए हम सत्य लेकर आएंगे चुनाव में। और सरकार जिस तरह से हम लोगों को 50% का आरक्षण दे रही है, उसका लाभ उठाते हुए समाज को आगे ले जाने के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। तो यही देन है, सरकार का ही देन है और कुछ महिलाओं का और लड़कियों का ये हौसला है कि समाज हमारा बदल रहा है और बिहार आज बदल रहा है। और बिहार जो आज बदल रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो खासकर महिलाओं का योगदान है। महिला की बदौलत आज बिहार हमारा बदल रहा है। पिंकी देवी जिंदाबाद, 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 फुल छाप जिंदाबाद। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 Live पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे और 22 अक्टूबर के दिन सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि श्वेतापुर पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य फिर से किसके हाथों में दे रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।